वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज की वीडियो भी इंटरेस्टिंग रहने वाली है, काफी सारी इंटरेस्टिंग अपडेट्स मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लो, सो दैट आप लोगों की ई स्पोर्ट्स की अपडेट सबसे पहले मिल जाएगी। तो फर्स्ट अपडेट निकल कर आती है BGIS को लेकर। तो आप लोगों को भी पता ही है लास्ट डे, एंड इसके बाद हमारे को लैन इवेंट देखने को मिलने वाला है। तो जो लैन इवेंट है वो हमारे को 12, 13 and 15 अक्टूबर को देखने को मिलेगा, जो कि हमारे को सरदार वल्लभ भाई स्टेडियम मुंबई में देखने को मिलेगा। एंड वो आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। एंड इसके बाद बात आज की ओवरऑल स्टैंडिंग के बारे में, तो वो आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख लो। एंड इसमें आप लोग देख सकते हैं जो टीम सोल है वो हमारे को 20th पोजीशन पे देखने को मिली। तो काफी लोगों का यही क्वेश्चन है कि जो टीम सोल है वो क्वालिफाई कर सकती है। तो इसके ऊपर जो मॉर्टल है उन्होंने बात करी है, जहां पे उन्होंने बताया था कि उन्होंने टीम सोल से बात करी थी, तो उन्होंने इस पे एग्जैक्टली क्या बोला वो आप लोग देख सकते हैं। गाइस आई नो पूरी हालत टाइट है फिलहाल, बट आई नो फटी पड़ी है सबकी, बट वी हैव स्पोकन विद द टीम, डोंट वरी। कल का दिन बिताते हैं अब एकदम अच्छे से, लेट्स सी कल कैसा जाएगा। ठीक है, आई नो एवरीथिंग इज गुड एक्सेप्ट टीम सोल, आई अंडरस्टैंड दैट। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। एंड बाकी हमने बात कर ली है टीम के साथ, ठीक है। और ये मर्सी के रूम में पता कॉन्फिडेंट है टीम कल के लिए, टेंशन ना लो आप लोग। बात हो गई है, अनिमेश की भी बात हो गई है, मैंने भी बात कर लिया। इसके बाद काफी लोग जो फिक्सेस हैं उनसे पूछ रहे थे कि जो न्यू मैन है जो कि लास्ट पे है वो टारगेट कर सकती है टीम सोल को। तो इसके ऊपर उन्होंने रिप्लाई करा, उन्होंने क्या बोला वो आप लोग देख सकते हैं। कल टारगेट कर सकती सोल को ड्रॉप फ्लैश करके, कोई भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है, इट्स नॉट जस्ट न्यू मैन बट एनीबॉडी कैन डू इट। सो दैट इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग, बिकॉज देखो नाउ टारगेट काफी लोगों के लिए थोड़ा सा खराब लगे, मेरे लिए है ठीक है, इट्स अ फेयर। जब तक आप नो कोई अनफेयर मींस का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, जब तक आप कोई चीटिंग नहीं कर रहे हो। इसके बाद आप लोग भी देख सकते हैं जो TX है वो ऑलमोस्ट क्वालिफाई हो चुके हैं। तो इसके ऊपर जो स्काउट है उनका हमारे को रिएक्शन देखने को मिला, काफी खुशबू हमें देखने को मिली, तो वो वाली क्लिप भी आप लोग देख लो। ठीक है, और एक अच्छी न्यूज भी है कि भाई हम लैन फाइनल्स के लिए क्वालिफाई हो चुके हैं, अब हम सीधा मिलते हैं लैन पे। सो यस, अब मैं क्या ही बोलूं, दो अच्छी न्यूज होगी। आज के मैच भी अच्छे चले गए, प्लस हम मैड्रिड भी आ चुके भाई। मतलब मैं बता ही नहीं सकता आप लोग को, मेरे को चुल मची हुई ना अंदर से, क्या ही बोलूं। इसके बाद हम बात करें BGIS के पॉइंट्स टेबल के बारे में। तो कल आप लोगों को पता ही है काफी क्रूशियल डे है, एंड इसका अगर आप लोगों को पॉइंट्स टेबल चाहिए तो आप लोग जाके मेरे ब्रॉडकास्ट चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। एंड उस पर मैं आप लोगों को सबसे पहले सारे जो पॉइंट्स टेबल है वो प्रोवाइड कर देता हूँ। एंड उसका जो लिंक है वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर मिल जाएगा। एंड इसके बाद नेक्स्ट अपडेट निकल कर आती है फिक्सेस को लेकर। तो उनसे काफी लोग ये चीज पूछ रहे थे कि जो घातक भाई है वो हमारे को TSM ज्वाइन करते हुए दिख सकते हैं, तो इस पर उन्होंने रिप्लाई करते हुए क्या बोला वो आप लोग देख लो। घातक ज्वाइनिंग TSM तो है ही नहीं इंडिया में, TSM के अभी हाल बहुत बुरे हैं चैट, ग्लोबली अगर देखो TSM के हाल बहुत खराब हैं। I don't know if they can even run a roster in India right now. इसके बाद जो रूशी भाई हैं उनसे काफी लोग पूछ रहे थे SK रोसी के बारे में, तो इसके ऊपर उन्होंने अपडेट दी, जहाँ पे उन्होंने बताया था कि जो SK रोसी है वो अभी कॉन्ट्रैक्ट में है, एंड अगर उनसे रिलेटेड कोई भी अपडेट होगी तो वो अनाउंस करने वाले हैं। एंड अभी तक ऐसी कोई भी अनाउंसमेंट नहीं है, वो आप लोग स्क्रीन पे देख लो। इसके बाद काफी लोग जो ड्रीम्स है उनसे पूछ रहे थे कि अगर आप लोगों को TX से अच्छा ऑफर आता है तो आप लीव करने वाले हो, तो इस पे उन्होंने रिप्लाई करते हुए क्या बोला वो आप लोग देख सकते हैं। वेट करोगे क्या बताओ, नहीं टारगेट वगैरह का सीन नहीं करना है, अपन अपना नॉर्मल खेलेंगे, नो टारगेट बड़ी। TX से अच्छा ऑफर आए तो जाओगे हिमांशु भाई, अभी तो TX में ही रहेंगे ब्रो। इसके बाद हमारे को एक पोस्ट देखने को मिला जिसको नोवा किंग ने शेयर करा था, एंड ये एक पुरानी मेमोरी है, एंड यार जो भी लोग इसमें OG हैं जो कम्युनिटी को बहुत पहले से फॉलो कर रहे हैं वो इन सब प्लेयर्स को जानते होंगे। तो आप लोग भी बता सकते हैं इनमें आप लोगों को कौन से प्लेयर्स जो हैं वो दिख रहे हैं, इनमें से आप लोगों के फेवरेट प्लेयर कौन से हैं। एंड सब लोगों को ये नहीं पता होगा, तो देखते हैं कमेंट में कितने लोगों को ये सब पता है। एंड इसके बाद नेक्स्ट अपडेट निकल कर आती है सेट भाई को लेकर। तो सेट भाई हैं वो हमारे को लाइव स्ट्रीम पर देखने को मिले, जहाँ पर उन्होंने बात करी थी प्रेशर जो भी टीम सोल के ऊपर अभी है, एंड काफ़ी लोग टारगेट कर सकते हैं, इन चीज़ से रिलेटेड भी काफ़ी लोग उनको बोल रहे थे। तो उन्होंने इस पे क्या बोला हुआ, थिंक टारगेटेड या वी आर प्रिपेयर्ड फॉर इट। आई थिंक हम लोग ना ये सब हाई प्रेशर सिचुएशंस में हम लोग वही एक चक्रव्यूह में फंस जाते हैं, जहाँ पे कुछ फर्स्ट गेम्स हम लोग जैसा खेलना चाहते हैं वैसा थोड़ा सा सेफ खेलते हैं, और फिर थोड़ा सिचुएशन जब हमारे अगेंस्ट हो जाता है ना तो लास्ट कुछ गेम्स में हम लोग फिर एक्सपेरिमेंट भी नहीं कर पाते या कुछ अलग टाइप का, तो थोड़ा सा वो होता है वो कभी-कभी यार, मतलब इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ द गेम आई थिंक। बट आई डू बिलीव इन माय बॉयज, आई डू बिलीव
इनमें आईजीएल फट रही है सिट भाई, यार हम लोग की भी फट रही है ऑब्वियसली। इतना अच्छा सारे राउंड में खेलने के बाद, इतना अच्छा थर्ड पार्टी में भी खेलने के बाद, आई थिंक बीजेएमएस के सेटबैक के बाद टीम ने काफ़ी अच्छे से कमबैक किया है मेंटली सब कुछ। आई डू बिलीव इन द प्लेयर्स, एवरीबडी हियर बिलीव इन द प्लेयर्स। एंड ये कौन था, एक कारमा वाला, हाँ ठीक है यार कारमा, ठीक है यार तुम लोग हरा नहीं पा रहे हो तो कारमा किसी के साथ तो किसको तो सपोर्ट करना पड़ेगा, तो तुम कारमा को सपोर्ट करोगे, आई गेट इट। बट आई थिंक आई बिलीव माय प्लेयर्स हैव ऑलवेज यू नो डन व्हाटएवर दे कैन। एंड इसके बाद आप लोगों को भी पता ही, जो सिट भाई उन्होंने अभी तक रिप्लाई नहीं किया था कंट्रोवर्सी पे, तो काफी लोग उनसे पूछ रहे थे कंट्रोवर्सी पे आपका क्या टेक है, तो इसमें उन्होंने रिप्लाई करते हुए क्या बोला वो आप लोग देख सकते हैं। तो बस गाइस यार अभी के लिए मेरे पास इतनी न्यूज़ थी, आगे कोई और अपडेट मिलेगी तो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना।